अजीज दोस्तों, बुजुर्गो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत ही बड़ा फजल और करम अल्लाह रब्बुल इज्जत है हम तमाम को इस फितन के जमाने में इस दावत की अजीम मेहनत में अल्लाह ने हम तमाम को लगाया। हम अपने कमाल से नहीं लगे, अल्लाह ने लगाया। हम अपने कमाल से नहीं लगे, किसने लगाया? अल्लाह ने लगाया। और जैसे लगे उसके काम को काम के तरीके से करते हुए शुक्रगुजारी हमारे अंदर माशाल्लाह। हमारे बीच में मुफ्ती शफीक साहब आए थे मरकज से, जोर था वहां पर। उन्होंने बोला इलाही साहब, जो लगा मैंने बरकत उनकी एक बात बयान फरमाई थी कि हजरत ने कहा था कि दो चीजें, एक है शुक्र, एक है शुक्र और एक है शिकायत। शुक्र से आदमी तरक्की करेगा, शिकायत से आदमी काम से बैठ गए। दो बातें तो हर काम करने वाले के अंदर यह एहसास होना चाहिए कि हम काम करते हुए हमारे अंदर शुक्र का मिजाज हो। बड़ा ऊंचा काम अल्लाह ने दिया है, बहुत आला काम अल्लाह ने दिया है। करते थे इस काम का छोटा भी बहुत बड़ा है और इस काम का बड़ा भी बहुत छोटा है। अल्लाह ने एक बड़े ऊंचे काम में अंदर लगाया, बहुत ही हमारे अंदर इसकी कदरदानी होनी चाहिए। जितना आदमी कदरदानी के साथ चलेगा अल्लाह चलाएंगे उसे। अल्लाह क्या करेंगे उसे? अल्लाह उसे चलाएंगे। और नाखदरी करोगे तो जो अल्लाह ने काम दिया है वो काम अल्लाह छीन गए। बुनियादी बात है। इसलिए मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाया करते थे, इस काम को डरते डरते करो, इस काम को अल्लाह से मांगते मांगते करो, इस काम को अल्लाह ताला से रोते रोते मांगा करो, रोते हुए डरते हुए अल्लाह से मांगते हुए। सहाबा और अंबिया अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम और अल्लाह वालों ने अपनी जिंदगियां लगाकर के कहते थे इस काम का हक अदा नहीं हुआ। जिंदगियां लगाकर कहते थे कि इस काम का हक अदा नहीं हुआ। और कहते थे अपनी जिंदगियां लगा दी उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं लगाया। मक्के और मदीने के अंदर सहाबा की खबरें ज्यादा से ज्यादा 2000 से 10000 सहाबा की खबरें मिली थी। मक्का सहाबा की खबरें दुनिया में सब और जिन्होंने हुजूर के आने के लिए करवाया था वो ही अंसार उनकी मतलब कहां बनी है? तुर्की कस्तुतुनिया का आखिरी इलाका है, वहां हजरत तस्वीर है। अल्लाह ताला मौलाना हसन एक मरतबा कह रहे थे, बड़ी अजीब बात बयान फरमाई कि एक मरतबा मौलाना हसन कह रहे थे हसकोटे के इज्तम जरा मैं पुराने सत्यों से बात कर रहा हूँ ताकि आप कुछ समझे, अल्लाह मुझे भी समझे, अल्लाह आपको भी समझे। हजरत ने एक बात बयान फरमाई, कल हजरत अबू अय्यूब अंसारी अल्लाह के सामने आए तो अल्लाह ताला पूछेंगे अबू अय्यूब मैंने तुम्हें हुजूर की मेहमानी दी। क्या दी? अरे बोल बोल, मैं मेहमान नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको हुजूर की मेहमानी दी। क्या हसर है कि जहां उतनी बैठनी थी वह आपके घर पर बैठी और आप मेरे हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर पे आए। बड़ी शान थी कि अबू अय्यूब अंसारी के घर पे आए और उन्होंने सारा घर खाली कर दिया नीचे और ऊपर एक कमरा था जहां पर वो अपनी बीवी के साथ चले गए। फिर थोड़ी तभी एक दो दिन गुजरे भी नहीं थे कि वो भी छोड़ दिया कि हुजूर नीचे में ऊपर अदब, अल्लाह के नबी नीचे और भी ऊपर अदब। कौदों से चलते पानी गिर गया, बीवी अपना जितना वो लिहाफ था ना लिहाफ डाल के वो पानी को जो उसने भिगो दिया। सर्दी में पूरी रात आंख लाल, सुबह पूछा हुजूर ने क्या हुआ, सोए थे आपको तकलीफ का। फिर बाप पर चले बीवी को लेके,
भागते चले। आज भी वो फिर मौजूद है, मदीने मुनव्वर में हो जाएगा मौजूद। ऊंटनी को बिठाया, अल्लाह तबारक को तहला पूछ लेंगे है अबू अय्यूब, मैंने तुम्हें मेरे नबी की मेहमान नवाजी दी, क्या हसद है? अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाएंगे, अल्लाह तूने जितनी बड़ी नियामत मुझे दी थी उसके हक अदा करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी लगाई। वो जो तेरी आयत है फिर लिफाफों को सिखाला, जो आयत है वो आयत मुझे भेंट दे दी थी, मैंने अपनी जवानी लगाई, मैंने अपनी जिंदगी लगाई, अल्लाह तेरे रास्ते में मैंने बुढ़ापे में भी चला, कमजोर हड्डियां कमजोर बीमार जवान तैयार। तो फरमाया मैंने अपने बच्चों से कहा मैं जवान में जा रहा हूँ, बच्चों ने कहा हम जाएंगे आप ले जाइए, बीमार घर कर देंगे, गाड़ी में जाना चाहता हूँ। अमीर साहब से बुलाया, अमीर साहब ले रहे हैं आपको, अमीर साहब अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो एक काम करना मेरी मैयत को भी वहां तक ले जाना जहां तुम्हारा आखिरी सदम होगा और वहां मुझे दफन कर दे, और अगर तुम मेरी मैयत को उठाने में तुम्हें तकलीफ होती है तो तुम मेरे घोड़े के दुख पर बांध देना, वो खींच के लेके आ जाए। अल्लाह मेरे हक अदा करने के लिए मैंने अपनी खबर भी मदीने में नहीं बनाई, कहां की बनाई? अरे सुनो भाई, काम करने वाले साथी सुनो, कहानी बनाई उन्होंने, अरे मदीने में हजरत उमर कह रहे थे अल्लाह मदीने की मौत दे, ये पूरा मजमा मानता नहीं मानता अल्लाह मदीने की मौत दे, अरे बोलो भाई मानता नहीं मानता, किसकी तमन्ना नहीं होती कि मदीने में मौत आए, कोई कौन नहीं चाहता कि मदीने में उसकी वो इंतकाल ना करे। हदीस में आता है कि कयामत के दिन जो है खबरों से उठेंगे तो अल्लाह के नबी पहले खबर से उठेंगे, हजरत अबू बकर उठेंगे, हजरत उमर उठेंगे, मेरी बात समझने के लिए मैं इतनी गहराई में जा रहा हूँ, अबू बकर उठेंगे, हजरत उमर उठेंगे, हजरत ईसा उठेंगे, हुजूर कहेंगे रुक जाओ बकी आने दो, मैदान में चल चले बकी वाले आएंगे हुजूर की सीधी तरफ, मुअल्ला वाले आने तक हुजूर इंतजार करेंगे, अल्लाह वाले जो कब्रिस्तान मक्के का है वहां से वो पूरे निकल के मक्के को आएंगे तो वो आके हुजूर के आए तरफ होंगे, तो ये हुजूर की इधर इधर, ये बताओ बारिश बरसती है मस्जिद बिकती है मोहल्ला भी बिकता है, अरे बोलो, अरे बारिश पड़ी सिर्फ मस्जिद बिकी पूरा मोहल्ला बिका, अरे हुजूर खड़े हो आप नाये पाए हो क्या हो, जो रहमतें जो बरकतें जो खैर, कितनी बड़ी चीज, अगर हर काम के हक अदा करने के लिए सहाबा ने वो जमीन भी छोड़ी, अल्लाह तेरे दीन के हयात के लिए मैंने मदीने की जमीन को भी छोड़ दिया, वो मेरी जमीन थी मेरी जगह थी, और कहां बन गए? अभी हमारे एक साथी अर्ज कर रहे थे सिर्फ लबनान से लेकर फलस्तीन तक 17,000 सहाबा की खबरें, कितने हजार की फलस्तीन से लेकर जो यमन का इलाका है लबनान इधर से होते हुए जो इलाका जाता है 17,000 सहाबा की खबरें, और ऐसे पहाड़ों के जब उत्तर उसके इलाकों में इधर साथ इधर के इलाकों में जब जमाते जाती है तो पहाड़ों पर सहाबा की खबरें, बड़े बड़े सहाबा बड़े बड़े सहाबा, कोई मामूली सहाबा नहीं, हजरत ज़ैद अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा, हजरत जाफर, हजरत हयात सहाबा में लिखा है हजरत तलहा कश्ती में जा रहे, कौन तलहा? हजरत तलहा कोई मामूली सहाबी नहीं, हजरत तलहा वो तलहा थे कि हुजूर मस्जिद नबवी के बाहर खड़े हुए थे वो आ रहे घर से तो मुस्कुरा रहे हैं, तो हुजूर ने फरमाया क्या बात है यार सल्ला मुस्कुरा रहे हो, अरे तलहा क्यों ना मुस्कुरा, तेरे घर पर देख कर अल्लाह फरिश्तों पर फख्र महसूस करता है कि तेरी मेहमान नवाजी के थे और तेरे बच्चे भूखे से, कितना बड़ा तेरे बच्चे भूखे सोए मेहमान को हला कर तुमने भेज दिया, वरना अल्लाह को इतनी पसंद आई कुरान को अल्लाह ने उतारा फरिश्तों को अल्लाह ने फख्र किया, वो सहाबी कहां गए जा रहे वो सहाबी जमा जमा थे कि वो सहाबी जा रहे समंदर में
خمس نقط خمسة کون حضرت طلحہ آسمان پر اللہ فرشتوں کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ میرا طلحہ کہا ہے کشمیر اتفاق ساتھیوں نے کہا کیا کریں سمندر میں چھوڑ دے تو جانور کا لقمہ ملتا ہے سمندری مچھلیوں کا لقمہ ملتا ہے کہہ تو کیا کریں ایک ساتھی کہہ رہا ہے انہوں نے کہا ایک کام کرو چلتے نہیں کے جو جزیرہ ملے گا وہاں اتریں گے سارا کام کریں گے نتلی کو ادا کریں گے جب تک اگر جسم پہلا ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے جسم پہلا ہو گیا یا جسم میں بدبو آنے لگے گی پھر ہم سفر کرنے حوالے کر دیں گے تین دن تین لاکھ میت چلی ناخون تک پیدا نہیں ہوا کہتے ہیں کہ کیا نہیں ہوا ناخون تک پیدا نہیں ہوا عراق میں دو صحابہ کی خبریں ہوئی بادیا گیا تھا 20,000 یہودی دن کر ایمان میں داخل ہو گئے صحابہ کے کفر ہوں صحابہ کے کفر دو تو بے حال یہ کر رہا تھا میرے مقدر عزیز مستو جزیرہ آیا نماز پڑھی پھر وہاں پر دفن کر دیا آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت طلحہ کی خبر کر رہا صحابہ نے تو اپنی زندگیاں لگا دی کیا لگا دی جو حق ادا ہونا تھا ادا کرنے کے لیے کیا لگا دی ارے بولو بھائی ہمارے قرآن صاحب بولو کیا لگا دی زندگیاں لگا دی ہم اپنی کاٹنے تیار کیا کاٹنے تیار اگلی کاٹنے تیار تھی انہوں نے کیا لگا دی زندگیاں لگا دی چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر حضرت اسماء 17 سال کی عمر کی حضرت جعفر کے اللہ کے راستے میں 17 سال کی حضرت اسماء ہے بولو حضرت اسماء 17 سال 5 سال کے اور 4 سال کے عبداللہ 3 سال کے محمد اور باپ کا کیا حال ہے گھوڑوں کے ٹاپوں نے گوشت کو جو نا ٹاپے جب گوشت پر پڑتی تھی نا کھل جاتا تھا گوشت ہاتھ الگ ہے پیر الگ ہے جسم الگ ہے زندگیاں لگا دی اور پھر آخری وقت پر کیا کہتے ہیں حق ادا کرو آخری میں کیا کہتے تھے حضرت کیا بولتے تھے حق ادا نہیں ہوا کتنی بڑی بات ایک صحابی ہے حضرت حضرت ایک بہت ایک صحابی ہے انہوں نے اپنے چھوٹے بچے کو لے کر آئے حضور کی خدمت میں بشیر بن خلافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے کے لے کر آئے حضور کے پاس کہا یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے اسے دیکھتے ہیں اس کی ماں بھی ہے کیا نہیں ہے کیا نہیں ہے ماں بھی ہے میں جا رہا ہوں اللہ کے راستے میں واپس آؤں گا تو بچے کو لے لوں گا اگر واپس نہیں آؤں گا تو یہ آپ کی کفایت ہے کوئی ایسا کام ہو جائے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے صحابہ کی جوتیوں کی دھول پر یہ کام اللہ نے کچھ اور کر دیا ہمارے کمال سے یہ کام کہاں ملتا ان کی قربانیاں ان کی کیا ہے قربانی چھوڑ کے جاتے ہیں واپس ایک اطلاع میں بھی تو بچہ دوڑتے دوڑتے جا کر میں مدینے کے سارے بچے چلے جاتے تھے سرحد پر جا کر وہ جماعتیں صفے بن کر آتی وہ صفوں میں بچے دوڑتے اور ان کے جن کے باپ ہوتے ہیں ہوتے جن کے رشتے دار ہوتے ہیں ہوتا اور جن بچوں کی کوئی نہیں ہوتا تو بچے کیا کرتے ادھر 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 یہ کونے سے وہ کونے سے وہ کونے سے یہ حضور پر راضی نظر پڑ جاتی تو حضرت بشیر بن خلافہ چھوٹے سے دوڑنے میں حضور کے بعد کہ یا رسول اللہ میرے باپ کو دیکھا ہے اب حضور نے وہ پوری زندگی کبھی حضور کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ نے کسی سے گردن نہیں کی ایسے ایسے گردن نہیں کی کسی سے حضور نے ایسے کوئی بات کرنا ہوتا نا حضور منافق بھی اگر بات کرتا تو حضور ایسے گردن نہیں اس بچے سے حضور نے یوں گردن پڑے وہ بچہ ادھر آیا کہا کہا رسول اللہ آپ نے میرے باپ کو دیکھا یہ ہی رہو کہ ان کے سرما کے اندر چھوڑ دے گئے تھے
साथ थे, मेरे बाप आपके साथ थे, कहां है? तो हजरत ने बच्चे की निगाह में निगाह डाल दे, तो हजरत निगाह नहीं डाल सके, यो ऐसे यो हम दुआए करो इधर आ इधर आ या रसूल अल्लाह, बोलिए बोलिए मेरा पुत्र। हजरत ने तीसरी दफा तेरा है ना, तीसरी दफा बिना के बच्चे ने कलिमा पढ़े जो अरबी में लिखा गया है, तो बच्चे ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मां नहीं है, मुझे खिलाने वाला मेरा बाप था, मुझे गोद में सुलाने वाला मेरा बाप था, और मेरे बाप नहीं है, कहां है मेरे बाप? के अंदर जो है ना बोले लोग होते, बिल्कुल छोटे छोटे लोग होते हैं,
तो फकत देखिए एक गोदा छुपा शरीफ लेकर खड़ा हुआ था, उनकी मेलदार भी कम होती है, उनकी मेलदार उनकी फिजा हम पेट करके खाते हैं, अगर हमारी फिजा दे दे तो बन जाते हैं, शायद उनको सजल बन जाता है, उनको जो दवाई दी जाती है वो मेलदार की दवाई दी जाती है, तो उनके माँ बाप की दवाई दी जाती है। एक पौधा आया और पौधा आकर सामने खड़ा हुआ तो एक साथी ने कहा ये पौधा वो है जिसे कपड़ा भी नहीं था उसके दिसंबर पश्चात था, इसके चार महीने बच्चे हुए तो पांच मुल्क है अभी आजाद हुआ है 1952 के अंदर आजाद हुआ है, तो फरमाते हैं कि जब इनके हाथों से निकल गया 5,000 मस्जिदें, कितने हजार 5,000 3,500 मस्जिदें थी, 3,500 मस्जिदों को भी शहीद कर दिया, दो तीन मस्जिदें लगी इसलिए फैंस बनने के, क्या बात है कि फैंस वगैरह बांधने के लिए उन्होंने मस्जिदें लगी, पूरा खत्म पूरे पत्थर से खत्म। एक आदमी हजरत से मुलाकात किया, हजरत 15 साल जेल में रहा, पूछा क्यों क्या गलती कर दी, कहा बस एक आदमी से कहा तू घर में नमाज पढ़, एक हिंदी की वजह से 15 साल जेल में रहा, कितने साल जेल में रहा 15 साल, और कहने लगे घरों से ज्यादा जबरदस्त आग दे पूरी चीजें खत्म कर दी, अल्लाह वाले खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। उन्होंने जब सुबह की बारी आएगी तो हजरत फरमाया हजरत वहां तो इजाजत नहीं है, मस्जिद नहीं है, घर नहीं है, रहने की जगह नहीं है, वहां किसे काम को आप भेज रहे हो, नहीं तुम वहीं पर जाओ उस जमीन पर जा, मैंने किसी को दावत ना दो लोग आंसू बहा कर क्या वहां करो, अरे सुन लो चार महीने जाओ क्या बहा कराओ, आंसू बहा कराओ, ठीक जमाते हजरत रवाना की। तो किसी ने कहा हजरत आपने ठीक जमाते रवाना की क्या देख कर की, कहा तीनों मरतबा हुजूर साहब ले आए थे, जब मुल्क आजाद हुआ तो जमाते जब जाने लगी, मुल्क आजाद हुआ जमाते जाने लगी तो लोग कहने लगे आप जैसे लोग आते कि मैदानों में रोया करते थे, अल्लाह ने दावत के काम को ऐसे ही नहीं बेतरी समझो बेतलब बनकर चलते हुए अल्लाह पहुंचा देगा, नहीं एक मजबूत खड़ा कुर्बानी का, एक मजबूत तैयार हुआ कुर्बानी पर जिसने अपनी जिंदगी लगाने को तैयार हो, मौलाना हाजी अब्दुल वहाब हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते मैं दिल्ली से बगला वाली मस्जिद में जाता, मौलाना के पास एक मजमुआ बैठा रहता, वो मजमुए को देखकर मुझे ऐसे महसूस होता था उम्मत के गम में और उम्मत के दर्द में वो ऐसे बैठे रहते थे जैसा कि एक बेटे की मैयत पर नवाब बैठा है, एक बेटे की मैयत पर लोग बैठे ना बाप बैठता है किसे बैठे ना बाप बेटे की मैयत पर, हमारे मोहल्ले की बेदीनी भी खत्म हो रही है,
हमारी कमजोरी है, हमारी बेफिक्री है, हमारी बेफिक्री है, हमारी कमजोरी हमारे मस्जिद की कमजोरी है। अभी हम लोग आपके इलाके से गुजरे हैं, कल कल मेहनत कर लेते हैं, कल हम लोग कल मेहनत कर लेते हैं, वहां सबको जोड़ा था, पूरा सरिये वालों को जोड़ा था, एक सरिये वाले वापस आकर के चलेंगे, बोला था एक सरिया है यहाँ पर, यह सरिया नाम से निकल गया था, जब गुरबागंज के रास्ते में चौड़ी है उनके सरियों में एक मस्जिद है, 14 मुसलमानों के घर है, जुम्मा को मस्जिद खुलते, जुम्मा के बाद ताला लग गया तो गुरुदेव आए तो भी चाबी नहीं देते, जुम्मा को आती दूर दूर की कारगुजारी नहीं सुना रहा, हमारे इलाके की कारगुजारी सुना रहा हूं ताला। सात मुसलमानों के घर है, सातों मुसलमान शराब पीने का, सारे ड्राइवर दूर दूर की गाड़ियों में जाने वाले, जब साथी मिलने जाते हैं तो नशे में होते हैं। अभी वो साथी सुना देते हम लोग उनको कलमे का, हम हल्का बनाकर थोड़ी देर उनके पास कलमे का मुजाकरा किया, हम लोगों ने कलमे का मुजाकरा किया, हमने उनसे यही कहा था कि आप लोग अगर जाओ सरियों के अंदर जहां मस्जिद नहीं है उनको ज्यादा तश्कील पर जोर मत दो, उनको 3 दिन निकलो, 40 दिन निकलो, 4 दिन है ऐसे ज्यादा ज्यादा इनको तश्कील मत करो, सबसे पहले तुम्हें उनको कलमा याद दिलाओ, उनको नमाज अज़ान नमाज दो सूरतें सूरह फातिहा नमाज, फिर उनको कहो आप हमारी मेहरबानी करो, आज आधा घंटे हमारे साथ दो, पहले उनको खरीद करो, 7 आदमी को लेकर बैठे तो एक को भी कलमा याद नहीं था। इनको भी कलमा याद नहीं, एक मजमा वो था जिसकी वजह से अल्लाह ने काम को सारी दुनिया में लगा चलाया, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ने काम के अंदर काम के लिए दरवाजों को आसान कर दिया। फरमाते हैं कि ऐसी कुर्बानी थी कि इस्तिफा बहुत
थकते हैं। आप बोल रहे क्या सब रो पड़े, कहने लगे हुजूर को तो याद कर लो कि ऐसा रोजा था, हुजूर रोजा था क्या करते थे, क्यों जिसके थकने पर अबू बकर मिले, जिनकी मेहनत पर उमर मिले, जिनकी मेहनत पर हमजा मिले, जिनकी मेहनत पर बिलाल मिले, जिनकी मेहनत पर ऐसे दस सहाबा मिले जिनको जमीन पर ही अल्लाह ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई। अशरे मुबशरा, जब तक ये मजमा थके या नहीं उम्मत भी आएगी। अल उम्मत कैसे मालूम, उम्मत चीकर में नहीं फंसती है, दलदल में फंसती है उम्मत। अमल का इंतजार था, अमल का इंतजार, अमल का इंतजार, नमाज वगैरह सब अमल का इंतजार। अब तो अल्लाह माफ फरमाए, उम्मत में ईमान का भी इंतजार आ गया, मुर्तद हो गए, तो भैया एक वो मजमा था जो कुर्बानियों में खड़ा, कुर्बानियों में खड़ा। मौलाना साहब रहमतुल्लाही अलैह ने रमजान का मुबारक देना, जरा पुराने साथी सुन लो, जरा बेस्ते पुराने पुराने बातें अर्ज करो। मौलाना साहब रहमतुल्लाही अलैह के पास गए, रमजान का चांद नजर आ गया, सहने के लिए क्या है, पानी से सहने के लिए इफ्तार का रुख आया तो कुछ नहीं था, तो पीछे आदमी बुरेल का एक दरख्त है, बुरेल बालू का बुरेल देखे होंगे ना, बुरेल जंगली बुरेल हो भी ऐसा हो इसका जंगली हो, वो बुरेल है ना, बुरेल गिनते थे उसे उठा के लो, उसे पानी में भूलो के इफ्तार किया, फिर सुबह फिर पानी से, फिर दूसरा दिन भी इफ्तार से, तीसरा दिन आया, तीसरे दिन पर बीवी का चेहरा देखा, अब बुधरे बोल लो तीन दिन का भूखा कैसा होगा, अरे बोलो बोलो तीन दिन का भूखा कैसा होगा। वहाँ क्या सब का बुलाया बीवी मिठाई के साथ भी कहा, एक काम करो तेरे साथ रहोगी बहुत हालात आएंगे, भूख होगी बहुत हालात आएंगे, अरे जरा ये मजमा पुराना सुनो सुनो सुनो, ये पुराना मजमा सुनो, रोनाते ही रोनाते के हालात बहुत आएंगे, क्या होगा कैसे होगा, एक काम कर लो किसी और से निकाल कर लो, नान नफका मिल जाएगा, नान नफके के लिए इससे खराब किसी और से निकाल कर लो, नान नफका मिल जाएगा, मेरे साथ रहोगी तो नान नफका भी, अरे बर्थ का बीवी पर नान नफका होता है, नहीं होता, नहीं शरीयत ने ये किया है नान नफका होता है, फरमाती को नान नफका तो देने की मेरे पास इस्तेदार नहीं है, तो फरमाती के उठते ही फौरन जाकर अंदर से, उस जमाने में एक आमर दो आमर होते थे, वो सहारनपुर में कभी नानी से जुक्रिया साहब रहमतुल्लाह अलैह वगैरह दे देते थे, तो वो लेकर आकर बच्चे जमाते थे, बोला भाई सुस्ता भगवत उन्होंने जमाते थे, क्या करते थे वो जमाते थे, तो उन्होंने वो जमाया था ना, तो वो भी उठा के लाके खत्म के डाल के कहा इसको भी ले लो खत्मों से चुकाना को क्या इसको भी ले लो खत्मों से चुकाना, कितनी बड़ी बात, बोलो बोलो। उसके बाद उनकी बीवी ने कहा वो एक ऐसा बंद कर रहे हो हजरत, आप आराम से काम में लगे रहिए, मैंने अपने हक को माफ कर दिया, एक मजमा उठा था, एक मजमा उठा था, वहां इतिहास को ऐसा रहा तो जाने का इंतकाल हो गया पड़ोस में, जरा पुराने साथी सुनो जरा इस बात को, जरा मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ समझेंगे। वहां इंडिया साहब रहमतुल्लाह मौलवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के जमाने में मौलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के फरमाते मौलवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के इंतकाल की खबर मिली तो मां ने कहा, मेरी नाम आया तो मां ने कहा बच्चे को एक मर्तबा दिखा दो, अरे सुनो सुनो सुनो, एक बच्चे एक मर्तबा मेरे बच्चे को दिखा दो, एक मर्तबा मेरे बच्चे को दिखा दो, मुद्दत गुजर गई मेरे बच्चे के चेहरे को जी भर के नहीं दिखा, एक मजमा उठा था काम कहां से थोड़े नहीं है इस मजमे में से अजान हुई है थोड़ी देर के लिए बैठा तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो है ना मौलाना इलियास मौलाना मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह की इंतकाल हो जाएगा
दुबा ने कहा मेरे बच्चे का एक मरतबा चेहरा दिखा दो। अरे सुनो काम वालों, क्या फरमाया माँ ने, एक मरतबा मेरे बच्चे का चेहरा दिखा दो। मुद्दत गुजर गई, चेहरा नहीं है। वो लोकेशी माए थी, बोलो जब आया जनाजा शहर में रखा गया, मर हट गए तो भाई कफन का कपड़ा लटकाया, चेहरे पर नजर पड़ी तो कहा बेटा आज रात से सोए। बोलो बोलो, एक वो मजबा था जिसने अपनी जिंदगी में अपनी राहत देखी न चेहरे पर सुकून। बोलो जिंदगी भर मशवरे से जो होता है वो ले जाओ सुंदर मशवरे से। बच्चे का है अपने सामने एक मजबा सुनवाई पर उठा वर्षा मत बताई वर्षा मत ना लेती है कि जवाब तैयार तरह एक पुराने साथियों के लिए आपसे कहो तीन दिन की जवाब तैयार अभी नहीं ले जाने के लिए परेशान होकर अल्लाह की तरफ से हो दोस्त की तरफ से अल्लाह अल्लाह की तरफ से हो इधर से अल्लाह देख रहे सही भाई हमारे साथ ने देखा कि हाफिज ही दिल्ली के अंदर दाखिल हो गए, अंदर मस्जिद के अंदर दाखिल थे। कहा हाफिज जी अच्छे मौके पर आए, आ जाओ आ जाओ, ये तो ले जाओ इन्हें अल्लाह दिया, इन्हें आवाज नहीं आती, इनको ले जाओ इनको दीन सिखा के आओ। ये दीन की जमात थे बड़े अच्छे मौके पर अल्लाह ने आपको भेजा है। मैं बड़ा परेशान था, हजरत ने वो जमात को तीन दिन का काम चार महीने का काम सौंपा। कहा है मस्जिद में बेटी का इंतकाल हो गया है, शेर बेटी का इंतकाल हो गया है, आए जनाजे की नमाज अमरती की हजरत को ले जाने के लिए मेरी बच्ची की नमाज है जनाजा मेरे हजरत पढ़ाए यूं कहकर आए हजरत का जवाब देने को लेकर अच्छा बेटी का इंतकाल हो गया कहा हजरत से कितना करो मैं जवाब ले जाऊंगा, मेरे बच्चे हैं मेरे खानदान है मेरे साले हैं वो कर लेंगे मैं जवाब ले जाऊंगा। उतरे मस्जिद फिलहाल को आए अचानक तबियत खराब हो ले गए गवर्नमेंट अस्पताल घर से निकले थे और घर के दरवाजे से बाहर जाते हुए उन्होंने एक जुमला कहा था, मर जाऊंगा तो मेरी मैयत को वापस न बुलाना, वसीयत करके गए थे कि मुझे दफन कर देना, मजमा अपने कर्मों से नियत करके देना, काम को काम बनाकर देना। उनको बच्चे मर्द बच्चे नहीं थे, लड़के नहीं थे लड़कियां, वो औरत से भी कितनी बड़ी जुर्मानी थी कि मरने के बाद एक मरतबा चेहरा तो देखू शोहर का, अरे शोहर का चेहरा तो देख लू अनबल कितनी मरतबा जनाजे रखती मस्जिद में आकर तो मेरा रूप की जराफत उनको बोल के आगे को ही बचकर देगी थोड़ा सा आगे एक मजूमा था
एंड इस बुजुर्गे को उनके सामने काम वो काम करके दुनिया से कहकर चले गए कि हाथ हटाने को और हमने क्या हाथ हटा दिया बोलो बोलो हमने क्या हाथ हटा दिया। हमारे बड़े मौलवी साहब बार बार बोलती जितना बोझ छिनको तीन सौ खाना मुश्किल हो रहा बोझ से तीन छिनको तीन सौ बोझ छिनको तीन खाओ करो खाना मुश्किल हमारे बड़े मौलवी साहब के साथ देख लो मुझे क्या समझ में आने बीमार के खींच के भुट्टा से मारा बीमार थी ने ऐसा सीना पकड़ के बैठ के अली मियां साहब ने अपने बटन निकाले हजरत के सीने को ऐसा मारा लगा हजरत के आंसू से बह रहे थे पूछा हजरत दर्द होना खाली मेरे नबी की ताइफ पे कैसे हो कौन सी चीज सूझी हमारे आज जो मत प्यासी है अल्लाह के दरों पर ताले लगे उम्मत के लिए नशे में डूबी हुई है मेरी उम्मत नशे में डूबी हुई है कब मिट जाएंगे मुल्कों के मुल्क ईसाइयों के बन जाए मुल्कों के मुल्क ईसाइयों के कोई समझा नहीं उसके लिए आपको काम बना कर करेंगे भी इंशाअल्लाह और कुछ मेरे के जरा हाथ उठा के बोले माशाअल्लाह अल्लाह को बोल पा अल्लाह को बोल पा हिम्मत करके आप बताओ बहनों के लिए 25 जून से कोर्ट पर तैयार कर रहा है 25 जून से कोर्ट पर तैयार 25 जुलाई से दो महीने बाकी पत्ती से जमात है चिंपलापुर से जमात है सिलगट्टे से जमात है चिंतापति से जमात है केजीएफ से जमात है बस पूरी जो जमात है तमाम में सिर्फ हमारी नहीं बोल रहा हूँ पूरी जमातों के तफक्कुस के साथ बोल रहा हूँ ये बेरी पूरी जमात है लाख डेढ़ लाख दो लाख ये पूरी धरती आसपास सारी चीजों के साथ मैं आपके सामने सुना रहा हूँ कोई ऐसी वैसी बात नहीं सुना रहा हूँ हिम्मत करके बताओ माशाल्लाह दुर्भाग्य से कौन कौन माशाल्लाह जिनका चार महीने लग चुका है बेलून के लिए या तो वो मस्तूरात में अपनी मस्तूरात को बेलून के लिए कौन तैयार है जरा खड़े हो बोलो जरा हिम्मत करो बोलो बोलो हिम्मत करो भाई ऐसे ही खड़े थे खड़े थे मैं बना देता हूँ जरा बोलो भाई अरे बोलो माशाल्लाह चार महीने लग गए आपके अभी नहीं लगे कितने चार महीने लगे वो खड़े अफरोज वाह वाह वैसे खड़े रहो वाह वाह बिड़बुल्ला माशाल्लाह 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 देखो 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 खड़ो तुम खड़ो तुम खड़ो तुम्हारे खड़ने को अल्लाह दे रहा है माशाल्लाह अल्लाह अल्लाह खुद देखो देखो ये पूरा मजबूत है ये देखो बोलो 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 नहीं नहीं अब सोचो लो सोचो लो आज मेरा निजार अंदर भेजने वाली यार माशाल्लाह उड़ी चली के उड़ी और जिनके चार महीने लग चुके हैं खड़े हो जाए हिम्मत करे बोला ना मुनव्वर साहब का भी है मौलाना मुनव्वर साहब भी तैयार है और बोलो बोलो हजरत बोलो हजरत बोलो हजरत माशाल्लाह माशाल्लाह अजमल और परसों बांग्लादेश जाकर है अरे माशाल्लाह माशाल्लाह और चुंटी ने इरादा किया अल्लाह बेतुल्ला पहुंचा दिया अरे आलम के नियत करो मौलाना इंडिया साहब रहमतुल्लाह ने सहारनपुर के मदरसे में बैठे थे आकर हजरत ने जब काम को शुरू आए शाबाश वाह वाह ऐसे खड़े रहो ऐसे खड़े रहो और हीरे हैं यहाँ पर और हीरे हैं और क्या सादिक के चार महीने लग गए कर लो और हिम्मत करो जरा जल्दी जल्दी और हिम्मत करो जिनके चार महीने लग चुके काही वाजिद काही काही वाजिद अब्दुल मजीद काही अब्दुल मजीद काही इतना अंदर ही और इतना ले ही ना जो यार अल्लाह मैं हमारे बड़ों की जिंदगियों को सामने रखते जैसे तुम्हारे
कौन 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 खरबूजा खरबूजा जो देख कर लाता है, खड़ जाओ जरा खड़ जाओ, शेर शेर खड़ो शेर उम्मत जासी है, आओ उम्मत जासी है शेर, ओए माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर आओ मुझे दिखते रहो, जरा मुझे दिखते रहो, बहुत बहुत मखज भाई मखज भाई कर लो ये, अरे खड़ जाओ खड़ जाओ, इंशाल्लाह वो मदद इंशाल्लाह करना सो जाना सो हजरत नियत करना। एक बड़ी साहब लेकर के जा रहा था, कहते बड़ा खास शादी का जमाना, कहते बड़े बड़े मट्टी के पहाड़ देखे, कहते देखे तुझे, कहते काश 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 मेरे पास इतना अल्लाह होता, मैं सबको पूरे गांव को बांट देता। तो सबके नबी से फरमाया जाओ जाओ जाकर कह दो कि उतना बराबर का सवाब मेरे को मिलते, नियत ये बोला। ये मैं हूँ सैयद मुनीर, सुन मेरे रब ये दुआ, मैं हूँ सैयद मुनीर।